हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टू सेड आर्मी। सो गाइस, अनदर एक फेस वीडियो में आप सभी लोगों का फेस से स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं गाइस, एम लॉक आप लोग कैसे कर सकते हो, वो भी अच्छी तरीके से। तो गाइस, बहुत सारा बंदों का जो होता है हेडशॉट मारने के वक्त एंड गाइस वन टैप लेने के वक्त जो है, उन लोगों का एम जो है एनिमी के ऊपर टारगेट नहीं होता। आप लोग इसको जो है क्रॉसियर या फिर एम जो भी बोलते हो, वो गाइस एनिमी के ऊपर टारगेट नहीं होता एंड फायर करने के वक्त वो आसमान की तरफ चला जाता है। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम होता है ये गाइस सबके साथ होता है। तो मैं इस प्रॉब्लम का एक सलूशन लेके आ गया हूँ, जो कि गाइस आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो गाइस आप भी कर सकते हो अपना एम लॉक एनिमी के ऊपर एंड गाइस एनिमी को जो है अच्छा खासा हेडशॉट दे सकते हो एंड उसी के साथ जो है बहुत ही अच्छा अच्छा वन टैप भी ले सकते हो। तो गाइस, वीडियो का आप लोग बिल्कुल एंड तक देखना। अगर गाइस एंड तक देखते हो तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो गाइस, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, आप लोग अपना जो है एम लॉक करने के लिए एंड गाइस आपका जो है एम परफेक्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड गाइस उसका कुछ स्टेप्स है। तो गाइस, मैं वो सारा प्रैक्टिस आप लोगों का सिखाऊंगा जो कि आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड पे आके करना है। तो गाइस, सिंपली आप लोगों को इधर आना है एंड गाइस पास 12 M10 या फिर दो गोली, इन तीनों गनों में से कोई भी गन आप लोगों को चूज करना है जिससे कि आप लोगों का वन टैप लगता है। और गाइस, फिर इधर आप लोग देख सकते हो ये जो पुतला होता है गाइस, ये पुतला आप लोगों को बहुत सारा खरीद लेना है एंड गाइस खरीदने के बाद आप लोगों को जो है जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो गाइस, आप लोग जब भी जो है वन शॉट लेने की कोशिश करते हो या फिर वन टैप मारने की कोशिश करते हो तो आप लोगों का जो टारगेट है मूवमेंट करते करते जो है वो आसमान की तरफ चला जाता है या फिर क्रॉसियर आप लोग जिसको भी जो भी बोलते हो ये गाइस इधर उधर हो जाता है, एनिमी के ऊपर टारगेट नहीं होता। तो गाइस, आप लोगों को मैं जो आज ट्रिक बताऊंगा, जो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, या गाइस अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों का जो है मूवमेंट करते करते भी आप लोग इजीली वन टैप ले पाओगे एंड जो है आप लोगों का एम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को बस ये पुतला लेना है एंड गाइस कोई ऐसी जगह आप लोगों को जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में जिधर की जो है ज़्यादा एनिमी नहीं आता। जैसे कि गाइस देख सकते हो मैं इधर आ गया एंड इधर आके आप लोगों को ये जो पुतला है आप लोगों को इधर बैठाना है। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे बंदे को पता होगा कि गाइस ये पुतले के ऊपर आप लोगों का डिफॉल्ट एम काम नहीं करता, ये फुल कंट्रोल पे हो जाता है। तो आप लोगों को जो है इधर अपना जो है एम को परफेक्ट करना है, आप लोगों को ऐसे इधर उधर भागना है मूवमेंट करते हुए। जैसे आप लोग मूवमेंट करते हो किसी एनिमी जब आता है तो ऐसे आप लोगों को मूवमेंट करना है एंड आप लोगों को जो है वन टैप देने की कोशिश करना है। वन टैप अगर ना भी दो गाइस, आप लोग ये कोशिश करो कि एनिमी मतलब आपकी गोली से मर जाए। और गाइस, इधर ऐसे आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते गाइस देख सकते हो ये एनिमी बीच में आ गया था एंड गाइस इसको मेरा वन टैप लग गया। तो गाइस, ये प्रैक्टिस कितना काम का है गाइस आप लोग देख सकते हो। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो गाइस आपका मूवमेंट अगर स्लो भी होगा तो गाइस जो है आप लोगों का वन टैप इजीली लग जाएगा। तो गाइस, ये जो है आप लोगों का हो गया फर्स्ट स्टेप आप लोगों का प्रैक्टिस का। ये स्टैचू के ऊपर हो गया क्योंकि गाइस ये स्टैचू के ऊपर करके आप लोगों का जो है थोड़ा सा मूवमेंट एंड गाइस जो आप लोगों का एम लॉक थोड़ा सा परफेक्ट हुआ है। लेकिन गाइस, आप लोगों को जब पीरो प्लेयर की जैसा खेलना है तो इसके लिए आप लोगों को जो है बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट करना है एंड गाइस उसी के साथ बहुत फास्ट होना है, और आप लोगों को अपना परफेक्ट एम लॉक जो है उसको सीखना है ताकि आप लोग जो है सोलो वर्सेस स्क्वाड में भी एनिमी के साथ आराम से खेल सको, ठीक है। तो गाइस, अभी आप लोगों को सेकेंड प्रैक्टिस का सेकेंड स्टेप आप लोगों को क्या करना है, आपके फ्रेंड को किसी भी एक गिल्ड मेंबर या फिर कोई सा भी फ्रेंड जो कि आपकी बात माने उसको लेके गाइस ट्रेनिंग मोड पे जाना है प्रैक्टिस के लिए। एंड गाइस, उधर आप लोगों को क्या करना है, उसको बोलना है कि इधर उधर भागने को एंड गाइस आप लोगों को बस उसको वन टैप प्रैक्टिस करना है। तो गाइस देखो, अभी आप लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है वो गाइस मैं आप लोगों को स्लो मोशन में समझा देता हूँ। तो गाइस देखो, वो बंदा मैंने उसको बोल रखा है कि मेरे को मारना मत, तो देखो वो गया, मैंने गन लिया घूम के एंड गाइस देख सकते हो वन टैप लग गया मेरा। फिर से गाइस आया, मैंने गन लिया घूम के फिर से गाइस मारा एंड वन टैप एंड बंदा खत्म। तो गाइस, आप लोगों को यही चीज़ जो है आप लोगों को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाकर प्रैक्टिस करना है एंड जिधर जाके करना जिधर की ज़्यादा बंदा नहीं आता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करो, इस चीज़ में जब आप लोग माहिर हो जाओगे ना तो गाइस आप लोगों का एम लॉक कुछ भी आप लोगों को मतलब इतना आसान हो जाएगा कि आप लोगों का वो प्रैक्टिस रहेगा। इसके लिए आप लोगों को कोई सा भी मतलब इतना ट्रेनिंग पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, उधर आप लोगों का जो है हाथ सेट हो जाएगा एंड वो इजीली आप लोगों का वन टैप लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस, मैं आप लोगों को और भी कुछ जो है स्लो मोशन क्लिप दिखाता हूँ एंड गाइस इसके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूँ जो कि आप लोगों को फॉलो करना है। तो गाइस चलते हैं ट्रेनिंग मोड पर एंड गाइस मैं दिखाता हूँ।
तो गाइस आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप का प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस पे जो रैंडम प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करना है, मतलब जो कि आप लोगों को मारना चाहते हैं, एंड गाइस उन लोगों को आप लोगों को वन टैप देने की कोशिश करना है। तो गाइस देख सकते हो मैं गेम पे कैसे वन टैप मार रहा हूँ, एंड गाइस जो बेसिक वन टैप मारने का बेसिक चीज़ है वो आप लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों का जो है एम लॉक होगा परफेक्टली, एंड गाइस आप लोगों का जो है वन टैप परफेक्टली वर्क करेगा। गाइस आप लोग जब भी गेम प्ले कर रहे होते हो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान पे रखना है कि गाइस एनिमी का लोकेशन किधर है। तो गाइस अगर आप लोगों को एनिमी का लोकेशन ठीक से पता नहीं है तो गाइस आप लोग कभी एम लॉक नहीं कर पाओगे, एंड उसको हेडशॉट भी नहीं लगेगा। तो फर्स्ट चीज़ जो है आप लोगों को अपना एनिमी का पोजीशन आप लोगों को जानना जरूरी है, एंड आप लोगों को एनिमी कौन से साइड पे भाग रहा है वो गाइस आप लोगों को जान के उसी जगह आप लोगों को ठीक से आप लोगों को ड्रैग प्रैक्टिस करना है, तभी गाइस आप लोगों को जो है वन टैप लगेगा। तो गाइस ये करने के बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट स्टेज में जाना है आप लोगों का मूवमेंट स्पीड और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो गाइस ये जो स्टेप होता है ये गाइस है फायर एंड ग्लूअल। तो गाइस इससे सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो है मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होगा, एंड गाइस आप लोगों का जो है और भी ज़्यादा हेडशॉट लगेगा। तो गाइस ऐसे आप लोगों को फायर करना है, एंड गाइस देन जितना जल्दी हो सके आप लोगों को जो है ग्लूअल मारना है। तो गाइस इसके लिए जो है आप लोगों का अगर ग्लूअल के बटन को भी आप लोगों को अपने हाथ के हिसाब से सही करना है, ताकि गाइस आप लोगों का जो है वन टैप के साथ ग्लूअल इजीली लग जाए, एंड गाइस आप लोग अगर कहीं भी कॉस्ट्यूम खेलने जाते हो वन वर्सेस वन में तो गाइस आप लोग उधर इजीली विन कर सको। तो ये चीज़ें आप लोग गाइस प्रैक्टिस करो तो आप लोगों का जो है एम लॉक परफेक्ट हो जाएगा, एंड उसी के साथ जो है अगर आप लोगों का जो मूवमेंट स्पीड भी कम होता है तो वो भी गाइस फास्ट हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, होप गाइस आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर गाइस पसंद आता है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस आप लोगों के फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर कर देना, क्योंकि गाइस आप लोगों का एक लाइक एंड शेयर हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। उधर गाइस जो है हम लोग गूगल पे का रिडीम कोड भी गिव अवे करते हैं, अगर आप लोग गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन तो आप लोग विन कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।